मैं अभी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हूं। आप देखेंगे एक ऐसा ऐसा रिमोट एरिया है और ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां पर कि लोग बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा नेटवर्किंग को लेकर के। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उत्तरकाशी में जियो चालू हो गया है। कल 26 को ये जियो की सिम मिलना चालू हो गया है और प्रॉपर ऑफिशियली जो इसका अनाउंसमेंट है ये कल 28 को कल इसका लॉन्चिंग कर दिया जाएगा। हालांकि आज जब हम अपने बाजार में सर्वे कर रहे थे, इनके जो ऑफिस ऑफिस अधिकारी हैं सैगल जी, उनके मुताबिक सिम मिलने कल तमाम जो यहाँ पर मोबाइल की दुकानें वहाँ पर मिलना चालू हो जाएगा। और जहाँ तक इस सिम की बात करें, एक सेट के साथ एक जो सेट मिल रहा है उसकी जो कॉस्ट है 1500 रुपीज़ है और 49 रुपीज़ एक सिम का चार्ज रख दिया गया है, जिसमें कि 49 का जो सिम है, दो टाइप की सिम इसमें दी जा रही, एक की कॉस्ट 153 रुपीज़ है और एक सिम की कॉस्ट 49 रुपीज़ है। 49 की जो सिम है उसमें 1 GB आपको 28 डेज के लिए वैलिडिटी के साथ 1 GB नेटवर्किंग फ्री है। और यदि 153 की मैं बात करूं तो उसमें आपको 1.5 GB पर डे फ्री दिया जा रहा है। इसके अलावा इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है ये कल हो जाएगा, 23rd ऑफ दिस मंथ, 23rd मार्च को चिन्याली सोड़ में इसका इनोग्रेट कर दिया गया था। इसका जो प्लानिंग है, इसकी ब्रीफली मैं बात करूं तो जियो जो नाम दिया गया है, मुकेश अंबानी के फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन जो धीरू भाई अंबानी थे, उनका एक डायलॉग हुआ करता था कि जियो जीने के तरीके से बताया गया था, जीने से रिलेटेड था, उसी को लेकर के इस कंपनी का नाम रखा गया। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुकेश अंबानी जो बेटी है उसका नाम जिया है, उस पर रख दिया गया है। ये सब जो बातें हैं ये एक कंपनी को लेकर के है। मुंबई में इसका कॉरपोरेट ऑफिस है जहाँ से ये चालू होता है, लेकिन उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो मसूरी से ये चालू कर दिया जाता है और ये चालू हो चुका है। एक ग्राहक के लिए जो मोबाइल को बराबर लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनके लिए बहुत ही राहत भरी खबर है। और देखते पूछ करके हमारी यूथ जो लोग यूज कर रहे हैं उनकी ओर जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि यदि ये प्रॉपर लॉन्चिंग जो कल से हो रहा है क्या रहेगा उनका रुख और क्या उनका सोचना है। मैं पूछता हूँ यहाँ पर कुछ यूथ खड़े हैं। सर आपका क्या नाम है? उमेश पवार। पवार जी आप क्या नेट चलाते हैं क्या? यस चलाते हैं आप। आपको पता है कि जो है जियो उत्तरकाशी में चालू हो गया है और प्रॉपर लॉन्चिंग इसकी कल है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अभी तो मेरे संज्ञान में कोई। अभी आपको आप जो चलाते हैं कितनी स्पीड मिलती है आपको? आप कब से चला रहे नेट? साल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पवार। क्या नहीं चला? चलिए ये एक लड़की है मेरे पास यहाँ पर। यस क्या नाम है आपका? दिव्या बाबू। कब से आप चला रहे नेट? नेट 3-4 साल। आपको पता है जियो उत्तरकाशी में चालू हो गया है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर आजकल वैसे भी नेट सबके बेकार आ रहे हैं, उनका नेटवर्क बहुत बेकार है। अब देखते हैं जियो से उम्मीद करते हैं कि वो कैसा नेट। राइट, आपने सुना है जियो के बारे में, बहुत स्पीड चलती है। यदि आज की मैं बात करूँ मॉर्निंग, तो मॉर्निंग यदि मैं बात करूं आज उत्तरकाशी में 25 MBPS मेगाबाइट्स पर सेकंड नापी गई है, जो आज सुबह स्पीड देखी गई थी, यानी बहुत ज्यादा है। नॉर्मल के मुकाबले 20 गुना स्पीड है, तो आप सोच सकते हैं क्या फायदा होने वाला है यूथ को। क्या बोलेंगे आप इस बारे में? सर यूथ को एक पढ़ने में बहुत फायदा होगा। राइट, कि जो हम चीजें कभी कभी हम कुछ चीजें नेट पे सर्च करते तो हमें इजिली मिल नहीं पाती है। क्या जियो के कस्टमर कितनी तेजी इसमें आएगी? क्या उम्मीद है कि बहुत सारे कस्टमर टूट पड़ेंगे इसके लिए? हाँ जी। राइट, क्योंकि काफी लोग पढ़ने वाले हैं। कितने परसेंट लोग यहाँ पर यूज करते होंगे लगभग? सर 80% लोग तो नेट यूज यूज करते तो हैं। यूज करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। दिव्य जी का कहना भी यही है कि यदि ये लॉन्च होता है तो काफी लोगों को इससे राहत मिलने वाली है। और कैमरामैन रजनीश के साथ महेश बोगणा, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड स्टेट से जियो पर मेरी खास रिपोर्ट।